नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ज्ञानेश्वर हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान फुटप्रिंट्स है। आप लोग मेरा थंबनेल देखे होंगे और इससे तो आधा स्टोरी आपको मालूम ही हो गया होगा। आज मैं एक खुला जगह आया हूँ एकदम आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों से मुझे बात करने का मौका अभी मिला है। विशेष कारण क्या है कि मैंने YouTube चैनल 2 साल पहले 2018 में खोला था और उसमें अभी मेरा सब्सक्राइबर्स है 2300। तो वो चैनल आहिस्ते आहिस्ते से ग्रो हो रहा है क्योंकि वो एक धार्मिक चैनल है। कोई परवाह नहीं, जिस दिन ग्रो होगा उस दिन ही होगा, लेकिन सब्सक्राइबर तो 2300 हो गए। तो 2021 में मेरा गुरु भाइयों का एक ग्रुप काठमांडू जा रहा था, तो वो लोगों ने हमें इनवाइट किया था कि ज्ञानेश्वर चलिए काठमांडू। तो मुझे तो बचपन से ख्वाब था कि काठमांडू जाना है, पशुपतिनाथ का दर्शन करना है। तो वो अभी इतने साल के बाद मुझे मौका मिला, तो इस मौका को मैं नहीं छोड़ना चाहता था, तो डिसाइड कर लिया कि पशुपतिनाथ जाएंगे। लास्ट नवंबर में मैंने पशुपतिनाथ गया और पशुपतिनाथ के दर्शन करते समय थोड़े वीडियोस मैंने निकाला था, लेकिन अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि मेरे ट्रैवल वीडियोस भी बनाएंगे और पशुपतिनाथ का ट्रिप से स्टार्ट करेंगे। इस उद्देश्य से मैं घर आने के बाद वीडियोज़ को पूरा इकट्ठा करके मेरा एक YouTube चैनल ज्ञान फुटप्रिंट्स के नाम से तैयार किया, और जितने भी YouTube से मैं ज्ञान प्राप्त किया उसमें एक ही बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कंसिस्टेंट रहे तो बहुत फ़ायदा है। तो मैंने कंसिस्टेंटली 140 वीडियोस अभी तक डाला है और वो कुछ ही दिन 19 अक्टूबर को हुआ जब मेरा चैनल 999 मेंबर्स सब्सक्राइबर्स थे, और उस 999 के बाद जो 3 फिगर का था मैं समझा कि और एक जुड़ा तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो खुशी का जो माहौल है मैं रोक नहीं सका। तो ये मैं 7 बजे देखा था मेरा यूट्यूब चैनल पर के 999 मेंबर है, वो एक मेंबर कब जुड़ेगा, ये मैं भगवान को प्रार्थना करते हुए रहा। तुरंत भगवान ने मेरा प्रार्थना सुन ली और 10:30 बजे एक मेंबर ज्वाइन हो गया। तो जो 999 था, जो 3 फिगर का अक्षर ये था, अभी वो 4 फिगर का हो गया 1000। तो मैं इतना खुश हो गया कि वो खुशी का अंत मैं नहीं बता सकता हूँ। कौन सा फ्रेंड को बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स को यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है और बहुत सारे फ्रेंड्स को किसी से बात करके पूछने का वक्त भी नहीं है। अभी तो दिन बदल गए हैं, लोग अपने अपने ज़िंदगी में अपने अपने विचारों पर ही हैं। तो मैं किसको ये शेयर करूँ कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गया। और तुरंत मेरा दोस्त ने बोला कि आप मोनेटाइजेशन को देखे, तो उसमें देखा तो मेरा 6500 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो सिर्फ 1-2-4 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं इतना वेट करना पड़ा, तब के मेरा वॉच आवर्स 6500 हो गए थे। तो ये खुशी का माहौल मैं किससे शेयर करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। मैं अपने आप में बहुत खुश था अपने आप में, क्योंकि ये यूट्यूब का सक्सेस वही जान सकता है जो यूट्यूब में है, और उसके पीछे कितना तकलीफ है वही जान सकता है। तो मैंने सोचा किसको शेयर करूँ, किसको शेयर करूँ, किसको शेयर करे तो ये अप्रिशिएट करेगा और किसको शेयर करे तो ये मुझे और इंस्पायर करेगा। तो मैंने, मेरा एक दोस्त है ब्राज़ील में, तो उन्हें तुरंत व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल किया। तो उनको मैं, वो किस काम पर है ये तो मुझे नहीं मालूम, तो उनको मैं मैसेज भेजा कि आप जब फ्री होते हैं तो मुझे कॉल कीजिए। तो
कुछ आधा घंटे के बाद उनका कॉल आया तो मैं तुरंत उठा लिया। जब 11 या 11:30 बज रहे थे तो तुरंत उनका कॉल उठा लिया और उनका नाम है जैन। तो मैंने बोला जैन मैं आपसे, मैं उनको इंग्लिश में बोला जैन आई एम वेरी हैप्पी टुडे, दिस मोमेंट्स आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट आई हैव अचीव्ड 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉचवर्स। तो उन्होंने ब्राज़ील में नहीं था, वो तो था न्यूयॉर्क में, तो बोल रही ज्ञानेश्वर आई एम एट न्यूयॉर्क नाउ, सो आई कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस वेरी प्रेशियस मोमेंट्स ऑफ अचीविंग द टारगेट ऑन यूट्यूब। फ्रेंड्स ये खुशी जो है और ये माइलस्टोन अचीव करने का जो है, ये खुशी अक्षरों से नहीं बता सकता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इस उम्र में मैंने ये प्रोजेक्ट में सक्सेस पाया, तो इसके पीछे मेरा हार्ड वर्क भी है। मैं घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। सब वीडियोस को इकट्ठा करके एक विचार किया कि एक दिन में एक वीडियो ज़रूर अपलोड करना। इस प्रकार मैंने 130 वीडियोस तक रेगुलरली डालते गया और एक वीडियो से दूसरा वीडियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने का मैं बहुत ही कोशिश किया और जितना मेरे से हो सका, जितने मेरे एज में मैंने स्किल्स ग्रो किया, वो स्किल्स पूरा उसमें डालकर मैंने वीडियोस बनाई। और मैं दिल से आप सभी लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी लोग मेरे वीडियोस देखकर, मेरे वीडियोस को लाइक करके, मेरे वीडियोस को कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित किया है और ये हाई इंस्पिरेशन के साथ एक साल के अंदर मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स कंप्लीट कर लिए। ये मेरा जीवन में बहुत खुशी का दिन है। इस जीवन में मैंने कुछ अलग ही पाया है। YouTube एक बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी कुछ वीडियो बना सकता है, अपने ज्ञान को प्रकट कर सकता है। तो अपने अपने कला के आधार पर आप वीडियो बना सकते हैं और इस ओपन ग्रुप में आप ज़रूर सक्सेस पा सकते हैं, ये मेरा विश्वास हो गया है क्योंकि मैंने एक साल के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स कंप्लीट किया है। ये सब आपका प्यार है। मैं आपको और एक बार दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप अभी पहली बार मेरा चैनल पर आए होंगे तो आप भी मुझे प्रोत्साहित कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को देखिए। अभी मेरा उम्र क्या होगा आप लोग एज्यूम कर सकते हैं? तो आप कुछ, आपका एजम्पशन अगर हो गया तो कमेंट कर बताइए कि मेरा उम्र क्या है। तो मैं एक ही बताना चाहता हूँ कि उम्र से इस सक्सेस का कुछ लिंक नहीं है। ये फील्ड में कोई भी सक्सेस हो सकता है, प्रोवाइडेड दे आर वेरी मच कंसिस्टेंट एंड दे यूज़ देयर रियल स्किल्स इन दिस। Because I am a photographer for the past 35 years and I am continuing with my passion. So friends, मैं एक आपसे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कुछ कला है तो उसको छोड़िए मत, उसको YouTube पर छोड़िए और देखिए आपका सक्सेस किस प्रकार होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल को ग्रो किया है और मेरा अभी एक ख्वाब है कि जो डायमंड प्ले बटन है उसको अचीव करने का। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं ये अचीव नहीं कर सकता हूँ। ये चैनल आप लोगों का है क्योंकि आप इसमें प्यार लगाकर देखते हैं, आपका प्रेशियस टाइम ये वीडियोस देखने के लिए लगाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। भगवान आप सबको स्वस्थ रखे, ये मेरा आशा है।
और प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन में सफलता पाने के लिए आप थोड़ा सा काम करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको स्वस्थ रखे, ये मेरा प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।